आप देख रहे हो बॉलीवुड क्रेजिस और मैं आपका नितिन रुस्लन आपने बात सुना रहेगा वो साथ की मूवी है वो जग्गूपति बाबू के पास। जग्गूपति बाबू मतलब वो समझ में आ गया रहेगा कि अभी तो चार चार चांद लगने वाले और वो साउथ की मूवी हो तो जाए इससे, क्योंकि वो आयुष्मान शर्मा यानी कि सलमान खान के जीजू आने वाले। लेकिन उसकी रिलीज डेट की जो बात करें तो उसका 26 अप्रैल है। लेकिन ये इससे भी एक खास बात बताता हूँ कि अजय देवगन की मूवी जो आ रही है जो औरों में कहा दम था उसके साथ क्लैश करने वाली, यो बहुत बड़ी खास बात है। क्योंकि अभी तो कुछ समझ में नहीं आया इसका टीजर, तो ये रुस्लन का कल टीजर उसका आ चुका है, बहुत अच्छा टीजर है और वो एक एक्शन सीन थ्रिलर होने वाला है। और एक्शन पे तो भाई आयुष्मान शर्मा का आपको तो मालूम रहे कि जो अंतिम में कितना खतरनाक जो रोल किया था, जो विलन का किया था, वो बहुत हार्ड किया था भाई। लेकिन जो भी रहेगा चलो, तो लेकिन अपन खास बात जो जिसके लिए आए उसकी पहले बात कर लेते कि रुस्लन और औरों में कहा दम था दोनों क्लैश करने वाली है। रुस्लन का कल टीजर आ चुका है और औरों में कहा दम था उसका अभी तक कुछ नहीं आया, खाली उसका अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन दोनों एक ही दिन रिलीज होने वाले हैं, दोनों क्लैश करने वाली है। लेकिन कुछ भी बोलो, लेकिन अजय देवगन सर भाई थोड़े टाइम में वो भी एक सुपरस्टार मतलब बड़े लेवल पे जो फर्स्ट नंबर पे आने वाला है, क्योंकि उसकी ये साल आपको तो मालूम रहेगा जो उसकी 5 मूवियाँ है, जो उसकी तीन मूवियाँ तो भाई उसके क्लैश करिए सामने सामने। इसके पहले मूवी जोड़ी की जो बात करें वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और उसके साथ है मैदान, और दूसरी जो जोड़ी की बात करें वो औरों में कहा दम था और दूसरे उसके सामने है रुस्लन यानी कि साउथ की मूवी है जो आयुष्मान शर्मा की मूवी है और जग्गूपति बाबू उसने काम किया है जो हम उसके लिए जो आए। और तीसरी की जो हम बात करें तो वो है पुष्पा 2 यानी कि आलू अर्जुन, और उनके सामने है सिंघम मगन यानी कि अजय देवगन सर की 5 मूवियाँ, उससे 3 क्लैश करने वाली है। और पीछे की जो 3 मूवियाँ है अभी तो 2 मूवियाँ जो उसका क्या होने वाला, क्लैश करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो अभी तक तो मालूम नहीं पड़े। लेकिन जो इंटरेस्ट की इसकी बात करें तो इंटरेस्ट में बहुत तो कम है, यानी कि जो इसकी इंटरेस्ट की जो हम बात करें तो इसका इंटरेस्ट है अभी तो 1100 ही हुआ है यानी कि 1100 हुआ है, यही औरों में कहा दम था। और दूसरी इसके रुस्लन, जो रुस्लन की बात करें तो वो अभी 3100 उसका इंटरेस्ट हो चुका है। लेकिन अभी तो कौन छाने वाला है अभी तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन उसका वो आज मालूम पड़ा कि उसका दोनों क्लैश करने वाले हैं। तभी मेरे को समझ में आ रहा है, बाप रे अजय देवगन सर की ये 3 मूवियाँ तो क्लैश करने वाली है, 2 मूवियाँ का भाई छा गए यानी यह एक टाइम पे ये तो क्लैश कुमार पे तो आने वाली है, क्योंकि अक्षय कुमार का तो आने वाले है, उनके सामने कोई भी मूवी आ रहे लेकिन सब थथरती है, चले ना जब उनको कोई डर नहीं है लेकिन वो क्लैश जरूर करेंगे, क्लैश कुमार तभी बोला जाता है। लेकिन अजय देवगन सर भाई ये साल की जो बात करें तो क्लैश कुमार तो भाई अजय देवगन सर है, क्योंकि उनकी 3 मूवियाँ क्लैश करें। जो भी रहेगा चलो, मैंने तो इसका टीजर देख लिया, आपने अभी तक टीजर नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए और आपकी क्या राय हो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, क्योंकि टीजर कल आ चुका है और बहुत अच्छा टीजर है और इसका इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन साउथ की मूवी है तो भाई छाने वाली तो ज़रूर है, लेकिन अभी ये दोनों में कौन क्लैश करे, क्लैश तो कर रहे हैं, कौन छाएगा, किसका पल पारी है, कौन अभी बाजी मारेगा वो तो अभी तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन क्लैश के मामले में देखा जाए तो रुस्लन अभी बाजी मार रहा है। लेकिन अभी आपकी राय की जरूरत है, आपकी क्या राय, मैंने तो मेरी राय बता दी। तो चलो आज के लिए इतना ही टाटा भाई, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। तो बॉडी के बारे में इसके मूवी कौन से चल सकती है, किसका पल्ला भारी है, जो भी रहेगा चलो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और प्लीज़ प्यार दीजिए, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाने ना भूलें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है। आप प्लीज़ इतना टाइम प्यार देते हुए आज के आगे भी प्यार दीजिए। थैंक यू।